इलेक्शन जीत जाएंगे, पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी जलसों की तरह नाकाम होगा। अपोजिशन का पहले दबाव लिया और ना आइंदा लेंगे वजीर आजम इमरान खान। विपक्षी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, लेकिन अगर वो वतन वापस आना चाहें तो सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से सैनेट की रुकनीत के लिए पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दी। पीटीआई के 5 अरकान समेत 9 अरकान कौमी व सूबाई असेंबली के सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारे जमा ना कराने पर मेंबरान की रुकनीत मौतल कर रखी है। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन को सरप्राइज देंगे। ओपन बैलेट पर अपोजिशन की दोगली पॉलिसी आवाम के सामने आया हो चुकी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दा। सदर पंजाब और बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्कॉच लीग में कौमी लेवल के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। आज से बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट शुरू। नेशनल इवेंट में मदीना जफर खवातीन और नासिर इकबाल मर्द खिलाड़ियों में फर्स्ट बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे में फौज पुलिस आवाम का किरदार काबिले तहसीन है। मुल्क में इंटरनेशनल लेवल पर खेलों की वापसी हो गई। पाकिस्तान पुर अमन मुल्क पीएसएल की तर्ज पर स्कॉच लीग कराने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन पीएसएल उमर अहमद जई का तकरीब से खिताब। सिंध असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ हलीम आदिल शेख गिरफ्तार। कराची में पीटीआई और पीपुल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान हंगामा आ रहा है। इराक में अमरीकी फजाई अड्डे पर मिजाइल हमला, गैर मुल्की सिविल कॉन्ट्रैक्टर हलाक और अमरीकी फौजी समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में बड़ी सड़कों और गुंजान आबाद इलाकों में मजीद कमर्शियल इमारतों के कयाम पर पाबंदी लगाने का फैसला। डेरा गाजी खान में पुलिस ने डकैती व चोरी में मुलव्वज़ मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। 10 मोटरसाइकिलें और बरामद करदा रकम मालिकान के हवाले कर दी गई। कहरोड पक्का और जलालपुर पीरवाला में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, करोड़ों रुपए मालियत की अराजी व गुजार करा ली। कोट सुल्तान में खातून के साथ ज्यादती, खावन की मुदैयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं ब्रेक के बाद। बोले दिल की वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली।
मचावे धूम।